बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बायजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिन छुड़ायो छिन लाक तले તમે સુનજો સાથ એક કહો અનુપમ બાત ચર્ચા સુનજો દિન ને રાત આપન ને ત્રુઠા પ્રાણનાથ આપન ને ત્રુઠા પ્રાણનાથ તે માટે તમે સુનજો સાથ અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ધામ ધની શ્રી રાજજી મહારાજ કે અસીમ અનુકંપા કે દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી સાધનાલય શ્રી પ્રાણનાથ વાણી પ્રસેન કેન્દ્ર રાયગઢ કે ઇસ પાવન પવિત્ર સ્થળ પર સપ્ત દિવસીય તારતમ વાણી ચર્ચા એવં શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કા આજ દ્વિતીય દિવસ કે ઇસ પાવન બેઠક મે શ્રીમદ ભાગવત વ્યાસાસન પર આસીન ભાગવત પ્રવક્તા સાધ્વી કોપિલા કુંજેજી પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય પ્રાચાર્ય શ્રી ગુરુજી સભી ધર્મ પ્રચારક પ્રચારિકાએ સંગીત મંડળી દૂર નજદીક સે પધારી હુઈએ પરમાત્મા કા અભિન્ન પ્રિય આત્મ સ્વરૂપ સદધર્મ પ્રાણ ધર્મ શિરોમણિ સજ્જન વૃંદ સુંદર સાહસી ભક્તજન મહાનુભાવ આપ સભી કો સભક્તિ સપ્રેમ પ્રણામ કરતા હું પ્રણામ પ્યારે સુંદર સાહસી ભક્તજન મહાનુભાવ અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપ ધામ ધની શ્રી કૃષ્ણજી જિનકે આવેશ શક્તિ इस धराधाम में निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज
एवं महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी स्वरूप के रूप में इस 28वें कलयुग का समय में अवतरण होकर आज तक संसार में सृष्टि के शुरुआत से जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर अवतारी जिन्होंने जीव उद्धार के लिए ब्रह्म शक्ति के विषय में एक आस्था जागृत करने के लिए धर्म शास्त्र के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान की बातें ये संसार के बीच में जाहिर किया गया था, परंतु संपूर्ण धर्म शास्त्र का संपूर्ण ऋषि मनीषियों का कहना यही था, ये सारे जगत को अखंड सुख देने वाला अखंड मोक्ष प्रदान करने वाला वो तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही ये 28वें कलयुग के समय में सृष्टि के अंदर मानव रूप लेकर के धरती में जाहिर होंगे। तो अपने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सारे जगत को ही अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे, ऐसे भविष्यवाणी धर्म शास्त्र के अंदर ऋषि मनीषियों के द्वारा सृष्टि के शुरुआत से ही अलग अलग स्थानों में जाहिर किया गया। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषस्त्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूज्यस्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उदाहरणम्। वो ब्रह्म मुनि के रूप में नरतन धारण करके परब्रह्म परमात्मा का आवेश शक्ति अपनी ब्रह्म प्रियाओं को ब्रह्म अंगनाओं को लेकर के संसार के बीच में आएंगे और वह ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही संसार में आकर के अपनी लीला को जाहिर करेंगे और अपने ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से सारे जगत को ही ब्रह्म धाम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म लीला के विषय में अवगत कराएंगे। जब उनके ज्ञान के माध्यम से सारे जगत के जीव का भी जागृत होगा, सारे जगत के जीव वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का आवेश शक्ति जो नरतन धारण करके ब्रह्म मुनि स्वरूप में सृष्टि के बीच में पधारे हैं, वो स्वरूप का पहचान करके उनका ही पूजा करेंगे, उनका ही आराधना करेंगे, उनका ही भजन करेंगे, उनकी ही भक्ति करेंगे। और सारे जीव जब ब्रह्म मुनि स्वरूप में पधारे हुए परमात्मा के आवेश शक्ति को ही पूजेंगे भजेंगे। यत पूजा प्रभावे नैवा जीव सृष्टि उदाहरणम्, इसी पूजा के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा के द्वारा सारे जगत के जीव का ही उद्धार होगा, कल्याण होगा। सारे संसार के जीव सृष्टि के शुरुआत से ही जन्म मरण के चक्र में घूम रहे थे, पड़ रहे थे, उनको भी अखंड मोक्ष दिलाएंगे परमात्मा स्वरूप। इस तरह से भविष्य वक्ताओं के माध्यम से ब्रह्ममणि संसार में आने की बातें और ये सारे जगत को ही अखंड मोक्ष प्रदान करने की बातें धर्म शास्त्र के अंदर जाहिर किया। फलतः ये 28वें कलयुग का समय में स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपनी दिव्य अंगनाओं को ये संसार में लेकर के पधारे, ब्रह्म मुनि के रूप में वो ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म सृष्टि संसार के बीच में जाहिर हो गए और इन ब्रह्म सृष्टियों में से इंद्रावती आत्मा सिरदार रूप में रहे और उनके ही अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की आवेश शक्ति जब विराजमान हुए, उन्हीं स्वरूप को महामती प्राणीनाथ जी के नाम से हम जाने जाते हैं और उनको संबोधन करते हैं। तो महामती शब्द के विषय में हम कल प्रथम दिवस के प्रसंग में भी चर्चा कर रहे थे। महामती प्राणीनाथ जी के अंदर पंच शक्ति समावेश है, श्री धनी जी को जोश आत्म दुलहीन नोर हुकुम बोध मूल वतन, ये पांचों मील भई महामता वेद कदेव पहुंचे शरत। पंच शक्ति का समूह जिसके अंदर समावेश है उन्हें महामती पद के द्वारा विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया, संबोधन किया गया। अब प्राणीनाथ जी क्या है? तो प्राणीनाथ जी का अर्थ है प्राण का नाथ। हमारा जो प्राण है, हमारे प्राण का नाथ प्राण का मालिक वो कौन है? हमारे प्राण का नाथ प्राण का मालिक ही परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी है, जिनका वास्तविक नाम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी है।
धर्म शास्त्र ने भी अक्षरादि श्री कृष्ण की महिमा वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का नाम जाहिर करते हुए कहा है, कृष्ण एव अक्षरादि सच्चिदानंद लक्षण। जो सच्चिदानंद गुण से युक्त अक्षरातीत श्री कृष्ण वही हमारे आत्मा के मालिक है, वही परब्रह्म परमात्मा है और वह परमात्मा स्वरूप ही हमारे प्राण का नाथ, प्राण का मालिक है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को ही हम प्रणिनाथ जी नाम के द्वारा जानते हैं, जो इस संसार में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के ये तारतम ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं। तो तारतम शब्द के विषय में भी हम कल प्रथम दिवस के प्रसंग में कुछ सारांश रूप में चर्चा कर रहे थे। ताम अंधकार से तारने वाला वह दिव्य प्रकाश जिसको हम तारतम कहते हैं। निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज ने इस तारतम को बीज मंत्र के रूप में प्रकट किया और यही तारतम को विस्तृत रूप में 18,758 चौपाई के रूप में महामति प्रणिनाथ जी ने जाहिर किया। तो सदगुरु का नाम सुनते समय, प्रणिनाथ जी के नाम सुनते समय शुरुआत में हमें लगता है ये सदगुरु कौन है, प्रणिनाथ जी कौन है, वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही इस सृष्टि के अंदर अपनी लीला जाहिर करने के लिए पधारे। सदगुरु स्वरूप के रूप में, प्रणिनाथ जी स्वरूप के रूप में पधारे। सदगुरु का परिचय देते हुए महामति प्रणिनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु साधु वाक को कहिए जो अगम को देवे गम, हद बेहद दोनों समझाए भाने मन की भरम। सदगुरु साधु यानी कि सदगुरु स्वरूप तो उन्हें कहते हैं जो अगम को देवे गम। तो अगम क्या है? सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक यानी कि जब तक सदगुरु स्वरूप संसार में प्रकट नहीं हुए, बहुतों ने बहुत प्रकार से परमात्मा की खोज की, परंतु किसी ने भी परमात्मा को नहीं पा सका। इसीलिए परमात्मा को ही अगम नाम धरा करके रहे। वेद ने भी परमात्मा को खोजते हुए गए, परंतु वेद को भी जब परमात्मा का धाम, नाम, स्वरूप, लीला के विषय में कुछ गम न पड़ी, श्रुति नहीं हुई, इसीलिए वेद ने भी परमात्मा का नाम अगम धरा करके स्वयं अपना नाम निगम धराया। महामति प्रणिनाथ जी कहते हैं, वेद अगम कहे उलटे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर ना पड़ी बिंद उपजिया कहां थे, ताथे नाम निगम धराया। वो परब्रह्म परमात्मा के विषय में वेद ने भी अगम कहा और जब वेद को भी परमात्मा नहीं मिली और लौट करके आए तो वेद का नाम क्या पड़ा? निगम धराए, निगम नाम पड़ा, इसीलिए वेद को निगम कहते हैं। जाते समय तो परमात्मा को खोजी करने के लिए वेद गया था, परंतु जब परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा को अगम नाम धरा करके स्वयं अपना नाम निगम धरा करके लौट करके आए, तो फिर जब वेद को ही परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो वेद अध्ययन करने वाले, वेद का चिंतन करने वाले और उसके आधार पर खोजी करने वाले को भला कैसे परमात्मा प्राप्त हो सके? इसीलिए वो अगम परमात्मा के विषय में किसी ने भी जान नहीं सका। तो आव महामति प्रणिनाथ जी कहते हैं, सदगुरु तो उन्हें कहते हैं जो वो अगम परमात्मा स्वरूप का भी पहचान दिला सके। सदगुरु साधु वाको कहिए, सदगुरु स्वरूप सदगुरु साधु उन्हें कहते हैं जो अगम को देवे गम। अगम परमात्मा के विषय में भी गम करा दे, पहचान करा दे और आगे कहते हैं, हद बेहद दोनों समझावे भाने मन की भरम। हद यानी कि ये चार ब्रह्मांड नारायण सृष्टि, ये सृष्टि के विषय में हम जरा सा सृष्टि का रूप का भी अगर हम दर्शन करें, गीता में चार अक्षर और उत्तम पुरुष तीन पुरुष के विषय में वर्णन किया है, जिसमें से चार पुरुष जिसका ब्रह्मांड चार ब्रह्मांड कहते हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान हम जहां पर बैठे हैं यह मृत्यु लोक है, यहां से नीचे सात पाताल लोक, अतल बीतल सुरतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक हैं,
जहां सार पार दैत्य दानवों का आबादी है और मृत्युलोक से ऊपर भूर्लोक यानी कि जिसे पितृलोक कहते हैं जहां पितृगण निवास करते हैं, स्वर्गलोक उसके ऊपर फिर महरलोक उसके ऊपर जनलोक तपलोक और सतलोक, ये 14 लोक ब्रह्मांड हुआ। ये 14 लोक ब्रह्मांड को चारों तरफ से आवृत करके अष्टावरण है। श्रीमद् भागवत गीता में वो अष्टावरण के विषय में कहा है, वो 8 आवरण क्या क्या है, भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्य भिन्न प्रकृति रष्टधा, ये अष्टावरण है। और ये अष्टावरण से भी परे ज्योतिष स्वरूप गायत्री और उससे परे महतत्व का धाम, उससे भी परे इच्छा शक्ति का धाम और उससे भी परे नारायण जो आदि नारायण जिन्हें ईश्वर भी कहते हैं, 4 पुरुष करके उनको ही गीता ने कहा, महाविष्णु भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और स्वयं आदि ईश्वर आदि पुरुष आदि नारायण को भी चारों तरफ से आवृत करके महाशून्य समष्टि पंचमी चार समष्टि का भूमि है। पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि पंचमी चार समष्टि तक को हद कहा और इससे परे बेहद की भूमि, क्योंकि प्रणिनाथ जी ने कहा हद बेहद दोनों समझावे, तो ये हद के विषय में बहुतों ने बहुत प्रयास करके कुछ हद तक जाना, परंतु सदगुरु स्वरूप ये हद के विषय में ही नहीं, वो बेहद स्वरूप बेहद परलोक के विषय में भी समझाते हैं। तो बेहद एरिया कहाँ है, हद भूमि से परे बेहद अंतर्गत जागृत परलोक जो अक्षर ब्रह्म का 4 पाद स्वरूप, अव्याकृत ब्रह्म, सबलीक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, साधारण हिसाब से इसे भी बेहद कहते हैं, परंतु जागृत परलोक शब्द के लिए यहाँ पर बेहद शब्द प्रयोग किया है। तो जागृत लोक मतलब अक्षर ब्रह्म का धाम भी जागृत परलोक है और उससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम है, जहां पर नित्य निरंतर जागृत लीला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शुरू करते हैं। तो इस तरह से हद बेहद मतलब स्वप्निक संसार 4 ब्रह्मांड और जागृत परलोक अक्षर अक्षरादि दोनों के विषय में जो अच्छी तरह से समझा करके साफ के मन की भ्रांति को जो दूर कर सके उन्हें ही सदगुरु स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से सदगुरु स्वरूप का परिचय दिया, स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप यह संसार के बीच में सदगुरु स्वरूप में पधारे, इसीलिए धर्म शास्त्र ने भी सदगुरु स्वरूप की महिमा को गाते हुए सदगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही संसार के बीच में सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सदगुरु स्वरूप में कहां किस स्वरूप में पधारे, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में पधारे, क्योंकि श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष तक निरंतर साधना करते रहे और उनके साधना के द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन दिया और परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने दर्शन के समय में ही ये हद बेहद अक्षर अक्षरातीत की सारी भेद को बताते हुए बेज तारतम मंत्र निज नाम मंत्र को प्रदान किया और ये मंत्र प्रदान करते हुए वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री देवचंद्र जी के अंतर हृदय में ही विराजमान हो गए। इसलिए हम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की महिमा को गाते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। देखिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जिस स्वरूप ने दर्शन दिया
वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण स्वरूप। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके क्या किया, तारतम को तत्व कहो। तारतम का बीज तत्व बीज मंत्र सोड़ अक्षरी मंत्र कह करके हृदय बैठे स्वरूप वो परमात्मा शक्ति आवेश स्वरूप के द्वारा सतगुरु देव चंद्र जी के हृदय अंदर विराजमान हो गए। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब श्री देव चंद्र जी महाराज के हृदय धाम में विराजमान हो गए तो वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही अब सदगुरु के स्वरूप में जाने जाते हैं। इसलिए महामति प्रणिनाथ जी वो सदगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए किरंदन वाणी में कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनीश चरणे रहो, शनमंत मेरा याही सो ताथे सदा सुख लो। सतगुरु मेरा श्याम जी, मेरे सतगुरु स्वरूप कौन है? श्याम स्वरूप श्री कृष्ण, अक्षरातीत श्री कृष्ण जो परमधाम मूल मिलावा के बैठक के बीच में नूरी स्वरूप में विराजे हुए हैं और वही स्वरूप अपने नूरी स्वरूप से परिवर्तन करके नूरी स्वरूप में मूल मिलाव में तो है ही परंतु यह संसार के अंदर हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए पंच भौतिक स्वरूप धारण करके आए। इसलिए वो कहते हैं भेष बदल आए धनी साक्षात। साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भेष बदल करके यानी कि नूरी स्वरूप को बदल करके पंच भौतिक स्वरूप को धारण करके पधारे और वही श्याम स्वरूप श्री कृष्ण जी अक्षरातीत धनी देवचंद्र जी के अंतर हृदय में विराजमान हो गए तो वही मेरा सतगुरु स्वरूप है, सतगुरु मेरा श्याम जी। ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं अहेनिश दिन रात रहूं, मेरा संबंध मेरे सदगुरु स्वरूप के साथ में ही है क्योंकि सदगुरु स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप का पहचान कराने वाले हैं। महामति प्रणिनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से ये बात को भी खुलासा करते हुए कहते हैं, हे साधकों अगर परमात्मा को पाना हो तो पहले सदगुरु का पहचान करो। इसलिए प्रणिनाथ जी ने कहा, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार। ढूंढते हुए जब सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु मिलने के बाद ही सतगुरु स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप का पहचान कराएंगे। इसलिए परमात्मा को हम साधारण जीव साधारण साधक सीधा जान नहीं सकते पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा को पाने के लिए तो पहले सतगुरु स्वरूप को पाना होगा। इसलिए प्रणिनाथ जी ने कहा, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता। इस बात को भी प्रणिनाथ जी ने वाणी के माध्यम से ही खुलासा किया है, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। अगर मृग जल यानी कि वो भूलन रूपी जल भ्रम रूपी जल के द्वारा कोई भी जानवर का प्यास मिटता हो तो हम ये कह सकते हैं कि सदगुरु के बिना ही सदगुरु के ज्ञान के बिना ही जीव ये संसार भवसागर से पार पा सकते हैं। परंतु जिस तरह से वो भूलन रूपी जल के द्वारा जीव का प्यास मिटना संभव नहीं है ठीक उसी तरह से सदगुरु के सानिध्य सदगुरु की कृपा सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के बिना संसार भवसागर से जीव पार पा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी ने सदगुरु स्वरूप के साथ में इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु स्वरूप के साथ में सन्मंद लगाया और कहते हैं, सन्मंद मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लो। सदगुरु स्वरूप के द्वारा मैं सदा सर्वदा सुख को प्राप्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि सदगुरु स्वरूप ही आत्मा को पहचान कराने वाले हैं, परमात्मा स्वरूप का पहचान कराने वाले हैं, परम धाम का सुख देने वाले हैं। जब आत्मा ने अपने आप को जान लिया परमात्मा को पहचान कर लिया और परम धाम का सुख अनुभव करने लगे तो सुख ही सुख आनंद ही आनंद है ना। इसलिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही सारे सृष्टि के जगत के जीवों को अखंड सुख प्रदान करने के लिए अखंड परम धाम तक पहुंचाने के लिए जिस स्वरूप में पधारे उन्हें ही हम सदगुरु स्वरूप कहते हैं। वो है निजान
आनंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने ये तारतम ज्ञान तारतम रस को बीस रूप में प्रकट किया। फिर सतगुरु महाराज के समय के बाद में वही आवेश शक्ति अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम में विराजमान हो गए। और वो अंदर की शक्ति को देखते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो अंदर की शक्ति हमारे आत्मा का मालिक प्राण का नाथ है, इसलिए उन्हें प्राणीनाथ जी के नाम से हम जानते हैं। अब महामती प्राणीनाथ जी ने ये तारतम बीज को ये तारतम वाणी के रूप में विस्तार किया, तो महामती प्राणीनाथ जी की वाणी ये तारतम सागर के रूप में विस्तारित है। सागर कहने से जिसका कोई नाप तौल ना कर सके, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, इसको हम सागर नाम से जानते हैं। तो ये महामती प्रणिनाथ जी की वाणी सागरमय वाणी है, जिसके एक एक शब्द शब्द के अंदर ऐसे सार भाव छुपा हुआ है। एक एक शब्द शब्द हमारे लिए मंत्रवत है, आत्मा को जागृत कराने वाला है, परम धाम का सुख देने वाला है। तो ये वाणी को ही हम निरंतर अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने हृदय को प्रकाशित कर सकते हैं और परम धाम का सुख हम यहाँ संसार में बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। महामती प्रणिनाथ जी के द्वारा अवतरित यह तारतम सागर के जब कभी भी चर्चा की जाती है, खुलासा की जाती है, तो इन्हें वाणी चर्चा कहते हैं। अध्यात्म मंच के द्वारा परमात्मा के विषय में अथवा धर्म शास्त्र के विषय में अलग अलग ढंग से अलग अलग धर्म ग्रंथों के विषय में कथा प्रवचन चर्चा किया जाता है, परंतु संपूर्ण ज्ञान कोई ज्ञान को जाहिर करते समय कथा के रूप में जाहिर करते हैं, कोई प्रवचन के रूप में जाहिर करते हैं, परंतु जब कभी भी महामती प्रणिनाथ जी की वाणी के विषय में बात आती है, महामती प्रणिनाथ जी की वाणी के विषय में बात होते समय कोई भी ये नहीं कहते हैं कि तारतम वाणी की कथा, अथवा कोई ये नहीं कहते हैं तारतम ज्ञान यज्ञ तारतम वाणी चर्चा। तो ये तारतम वाणी चर्चा शब्द का अर्थ क्या है, अथवा ये तारतम वाणी के साथ में चर्चा शब्द क्यों जुड़ा, तो इस विषय में हम जरा सा चिंतन करें। आज महामती प्रणिनाथ जी यहाँ कहते हैं, ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहो अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। संसार में बहुत सारी ज्ञान की बातें, प्रवचन की बातें, कथा की बातें होती हैं, परंतु महामती प्रणिनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से ही हमें संबोधन कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। चर्चा सुन जो दिन ने रात, रात दिन चर्चा श्रवण करो। तो ये चर्चा का अर्थ क्या है, तो महामती प्रणिनाथ जी ने ये चौपाई रास ग्रंथ में ही दूसरा प्रकरण में रखा है। ये प्रकरण के अंदर मायावी संसार से भवसागर से जीव जागृत कराने के लिए सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से हृदय को प्रकाशित कराने की बात अगले प्रसंग के द्वारा ही जाहिर करते आ रहे हैं। महामती प्रणिनाथ जी बार बार हम आत्माओं को एक ही बात के ऊपर सजग कराते हैं कि अपने हृदय को ज्ञान के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करके रखो, आत्मा स्वरूप में अपने आप को पहचान करो और धाम देने की ज्ञान, सदगुरु की ज्ञान, धर्म शास्त्र के ज्ञान, ये वाणी के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित करो, तो माया का लेश हृदय अंतस्करण में नहीं चढ़ सकता, माया कुछ असर नहीं कर सकता। अगर ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित नहीं कर सका, तो फिर माया भी चोर कभी भी आकर के हमारे हृदय के अंदर की जो इश्क और ईमान यानी कि प्रेम और विश्वास रूपी धन को चुरा करके ले जाएंगे। महामती प्रणिनाथ जी स्वयं यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से जाहिर करते हुए कहते हैं, जिस तरह से संसार का कोई धनवान व्यक्ति हो, अपने घर में बहुत सारा धन हो,
वो धन का रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारा धन घर के अंदर एकत्रित करके रखा, परंतु वो धनवान व्यक्ति ने रात्रि के समय में अपने घर में बत्ती भी बुझा करके अंधेरा बना करके रखा और वो आनंद से आराम से सो गया हो, ऐसी परिस्थिति में तो कभी भी चोर आकर के उसके अंदर का जो धन है चोरी करके ले जा सकता है। क्योंकि जिस घर में मालिक भी सोया हुआ है और बत्ती भी बुझाया हुआ है, अंधेरा है, तो उस समय में तो चोरी करने वाले चोर को तो आसानी से वहां का धन चुरा करके ले जा सकते हैं ना। अगर वो धनवान व्यक्ति अपने घर के अंदर हरदम रात्रि के समय भी बत्ती जला करके रखे, घर को प्रकाशित करके रोशनाई करके रखे, और घर का मालिक भी रात्रि के समय में भी सावधानी के साथ में जागृत होकर के बैठे रहे, तो जिस घर में बत्ती भी जल रहा हो और घर का मालिक भी जागृत हो, कभी भी उस घर में चोर आकर के वहां का धन चोरी करके ले जाए, ये कदापि संभव नहीं है। ये उदाहरण के माध्यम से प्रणिनाथ जी ने जीव को संबोधन करते हुए, आत्मा को संबोधन करते हुए कहा, हे जीव आत्मा, ये मानव शरीर भी तो एक घर है, जिस घर के अंदर आत्मा स्वरूप जीव स्वरूप बैठे हुए हैं। महामति प्रणिनाथ जी ने ये मनुष्य शरीर को एक महल के रूप में, एक घर के रूप में समझाया। पांच तत्व मिल मोहल रचो है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांच तत्व मिलकर के यह मानव शरीर रूपी महल बना हुआ है। महल शब्द का प्रयोग हम कहां करते हैं? बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, सेठ साहूकार, राजा महाराजा जिस स्थान में बैठते हैं, उस स्थान को, उस घर को, उस भवन को महल शब्द के द्वारा संबोधन करते हैं, अथवा उसे महल कहते हैं। तो ये मानव शरीर को महल शब्द के द्वारा स्वयं प्रणिनाथ जी ने समझाया, पांच तत्व मिल मोहल रचो है करके। तो ये मनुष्य शरीर क्यों महल है? क्योंकि ये मनुष्य शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी मालिक बैठे हुए हैं, और वो आत्मा कोई साधारण नहीं है। वो आत्मा के पास में ऐसा अनमोल धन है जो धन संसार में किसी के पास में भी नहीं है। पांच तत्व का शरीर तो धर्म शास्त्र के आधार पर ही हम देखें 84 लाख जीव योनि के विषय में धर्म शास्त्र ने बताया है। तो वो 84 लाख में से मानव शरीर से लेकर के अन्य कोई भी शरीर के अंदर जो जीव बैठे हुए हैं, उसके शरीर को महल शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास में वो धन नहीं है जो मनुष्य शरीर के अंदर बैठे हुए चेतना के पास में जो धन है। तो मनुष्य शरीर के अंदर बैठे हुए चेतना आत्मा स्वरूप के पास में कैसा ये धन है, जिसके कारण ये मनुष्य शरीर के अंदर बैठे हुए जीव धनवान हो गए, और जो बैठे हुए घर को ही मोहल शब्द प्रयोग किया, वो धन है परमात्मा के प्रति का इश्क और ईमान, यानी कि प्रेम और विश्वास। परमात्मा स्वयं ने हमें वो धन को प्राप्त कराया है। स्वयं प्रणिनाथ जी किरंतन वाणी में कहते हैं, सेठे तमने सारी सनंदे सोप्यों से धनसार, अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्या सुहाणी वार। परमात्मा को सेठ शब्द के द्वारा संबोधन किया है यहाँ, और प्रणिनाथ जी कहते हैं, सेठे तमने सारी सनंदे सोप्यों से धनसार। सेठ परमात्मा ने आपको हर प्रकार से प्रबंध करके सार धन सौंपा है। वो सार धन क्या है? सबसे पहला नंबर तो सार धन यह मनुष्य शरीर है, और ये मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी गुण अंग इंद्रिय हैं, ये गुण अंग इंद्रियों को प्रणिनाथ जी ने क्या कहा, अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्या सुहाणी वार।
आणि वार मतलब इस मनुष्य शरीर में आए हुए अवसर में ये अनेक जबरात के रूप में संपूर्ण गुणांग इंद्रिया सक्षम रूप में परमात्मा ने मनुष्य शरीर के अंदर प्रदान करके भेजा है। तो सबसे पहला नंबर धन तो हमारा ये मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी सक्षम गुणांग इंद्रिया है यही हमारा सबसे बड़ा धन है। परमात्मा की कृपा हम आत्मा के ऊपर होती है तो सबसे पहले तो वजूद यानी कि शरीर के ऊपर ही परमात्मा ने कृपा किया है। महामति प्रणिनाथ जी स्वयं सागर ग्रंथ में अंतिम में मेहर सागर का प्रकरण में ही कहते हैं ये वजूद परमात्मा के कृपा के द्वारा प्राप्त हुई है। जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहर बनाए वजूद गुण अंग इंद्री मेहर के रूहे मेहर फूकत माहे बूंद। परमात्मा ने कृपा करके वजूद यानी कि हमें यह पंचभौतिक शरीर प्रदान किया और इसके अंदर संपूर्ण गुण अंग इंद्रिया परमात्मा की कृपा के द्वारा ही हमें प्राप्त कराया है और परमात्मा स्वयं ने ही हमारे अंदर आत्मा शक्ति को भर दिया है। ये सारा परमात्मा की कृपा है, ये हमें परमात्मा ने दिया हुआ धन है। और इसके अंदर भी हमारे जो हृदय है दिल दिमाग है उसके अंदर श्रद्धा विश्वास रूपी धन जिसे इस्सा और इलम रूपी धन कहते हैं वाणी में जो श्रद्धा और विश्वास है अथवा प्रेम और ज्ञान है ऐसा धन परमात्मा ने हमें सौंपा है। और ये धन के द्वारा हमें जरा सा उदाहरण के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करें कोई भी व्यापारी व्यक्ति होते हैं ना सूर्य में वो थोड़ा सा धन को लगा करके अपना व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार करने का मकसद क्या है लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है वो धन के द्वारा और धन को बढ़ाते जाएं वृद्धि करते जाएं और थोड़ा सा धन का लगानी करके बढ़ाते बढ़ाते बहुत धन को संकलन करें। तो परमात्मा ने हमें इसक और इलम रूपी धन कुछ दिया है और ये संसार के बीच में हम व्यापार करने के लिए आए हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी स्वयं कहते हैं आत्माओं आप लोग व्यापारी हो इसलिए हे व्यापारी आत्माओं आप लोग मेरी बात को सुनो। परंतु आत्मा के व्यापारियों को सत्य के बंजारे शब्द के द्वारा सत्य के व्यापारी शब्द के द्वारा संबोधन किया कहते हैं सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहो समझाई हे सत्य के व्यापारी हो मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ जो समझने की कोशिश करो। इस तरह से सत्य के बंजारे सत्य के व्यापारी शब्द के द्वारा भी महामति प्रणिनाथ जी ने आत्माओं को समझाया। तो हम आत्मा ये संसार के बीच में व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार करने के लिए आते समय कुछ तो धन लेकर के आए हैं ना वो धन क्या है परमात्मा ने हमें दे करके भेजा हुआ धन वो इश्क और इलम रूपी धन अथवा प्रेम और विश्वास रूपी धन है। तो ऐसा धन लेकर के हम संसार में आए तो ये संसार का माया का रूप प्रकृति का गुण ये सब कुछ देखते हुए हमें परमात्मा की प्रेम परमात्मा की जो महिमा है उसको समझना होगा। परमात्मा ने हमें ये संसार में क्यों भेजा उनके बादशाही को समझने के लिए और परमधाम का इश्क करने की प्रेम को समझाने के लिए भेजा है। इसलिए संसार को देखते हुए हमें परमात्मा की प्रेम परमात्मा के प्रति और विश्वास को बढ़ाना होगा। जितना हम विश्वास को बढ़ा सके प्रेम को बढ़ा सके वही हमारा धन का वृद्धि होना है। ये परमात्मा के प्रति का श्रद्धा विश्वास रूपी धन हमारे हृदय के अंदर ही है। तो ये धन को सुरक्षित रख करके हमें परमात्मा के पास तक लेकर के जाना होगा। कोई भी व्यक्ति विदेश चले जाते हैं धन कमाने के लिए और विदेश में वर्षों तक रह करके बहुत संघर्ष करके धन तो बहुत एकत्रित किया परंतु लौट करके अपने घर में आते समय उन्होंने कमाया हुआ धन कुछ भी वो घर तक लेकर के ना आए उधर ही बेकार में गमाए अथवा उसने मेहनत करके कमाया हुआ धन किसी ने रास्ता में ही चोरी कर लिया अथवा वहीं पर कुछ लुटेरों ने लूट लिया और घर आते समय खाली हाथ आना पड़े तो फिर फायदा क्या है।
घर के लोग तो आस लगाए बैठे हुए हैं ना, विदेश में इतने साल से रह करके बहुत धन एकत्रित किया, अब घर आ रहे हैं तो बहुत धन लेकर के आए होंगे, परंतु खाली हाथ आ गए तो वो स्वयं भी निराश बनेंगे और घर के सारे लोग भी निराश होंगे। इसी तरह से हम आत्मा ये संसार के बीच में सत्य का व्यापार करने के लिए परमात्मा के प्रेम और विश्वास को बढ़ा करके परमात्मा के धाम तक वो धन को लेकर के जाने के लिए आए, और वो विश्वास और प्रेम को भी यहाँ माया ने अगर चुरा लिया हो और परमात्मा के पास जाते समय खाली हाथ जाना पड़े तो फिर परमात्मा हमें क्या कहेंगे। इसलिए वो प्रेम और विश्वास रूपी धन को सुरक्षित लेकर के जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये धन का मालिक जो जीवात्मा है उनको जब कभी भी ये सावधानी अपनाना होगा कि मेरे ये मनुष्य शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा का दिया हुआ प्रेम और विश्वास रूपी जो धन है, ये धन को मायावी चोर आकर के चुरा न सके, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही उदाहरण के रूप में कहा, संसार का भी कोई धनवान व्यक्ति हो, उनको अपने धन का सुरक्षा करने के लिए रात्रि के समय में भी बत्ती जला करके रखने की आवश्यक है, और रात्रि के समय में भी घर का मालिक जागृत होकर के सावधानी अपनाते हुए रहने की जरूरत है। ठीक इसी तरह ये मनुष्य शरीर रूपी घर में बैठा हुआ ये जीवात्मा रूपी मालिक के पास में परमात्मा का प्रेम और विश्वास रूपी धन है, ये धन को सुरक्षा दे करके रखने के लिए और ये धन को लेकर के परमात्मा के चरण शरण तक जाने के लिए जीवात्मा रूपी मालिक को क्या करना होगा, अपने हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश रूपी दिया को सदा सर्वदा जलाए रखना होगा। ये मनुष्य शरीर रूपी घर के अंदर हृदय रूपी कमरा के अंदर प्रकाशित करने वाला वह प्रकाश वह दिया क्या है, वो है सद्गुरु का ज्ञान, धर्म शास्त्र का ज्ञान, ये वाणी का ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हम हृदय को प्रकाशित करके रखें, और ये घर का मालिक स्वयं जीवात्मा है। जीवात्मा ये अज्ञान रूपी नींद में सोए बिना सावधान होकर के जागृत होकर के बैठे रहें, ऐसी अवस्था में ये संसार का मायावी चोर आकर के ये जीवात्मा का जो अपना धन है खजाना है कभी भी चोरी करके नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए आत्मा को जब कभी भी सचेत होकर के जागृत होकर के रहना होगा, और सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, प्रणिनाथ जी के ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की यह दिव्य वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करके बैठना होगा। तो ये ज्ञान का प्रकाश महामती प्रणिनाथ जी की वाणी के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो ये प्रणिनाथ जी की वाणी ही तारतम सागर ही, ये कोई शब्द शब्द में सीमित नहीं है, शब्द के रूप में परम धाम का प्रकाश आत्मा को प्रकाशित करने वाला प्रकाश जाहिर हुआ है। तो ये ज्ञान का प्रकाश हमें अपने हृदय के अंदर जलाए रखना होगा, तो हम आत्मा अपने धन को सुरक्षा देकर के रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हृदय को प्रकाशित करने के लिए ये ज्ञान को हम अपने हृदय के अंदर कैसे प्रवेश कराएं, तो उसके लिए प्रणिनाथ जी कहते हैं, ते माटे तमे सुन जो साथ। हे सुंदर साह जी, हे आत्माओं, आप लोगों को मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि ते माटे तमे सुन जो सात, इसीलिए आप लोग ये बात को ध्यान दे करके अंतर हृदय से श्रवण करो। क्या एक कहो अनुपम बात, मैं आप लोगों को एक अनुपम बात बताने जा रहा हूँ। अनुपम मतलब उपमा रहित, जिस बात के लिए कोई उपमा नहीं है, कोई नमूना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई उदाहरण दृष्टांत नहीं है, ऐसे रहस्यमय, ऐसे सार गर्भित, ऐसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के समक्ष प्रकट करके बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, आगे वो बात को जाहिर करते हुए कहते हैं, चर्चा सुन जो दिन ने रात, रात दिन चर्चा श्रवण करते रहो।
तो रात दिन चर्चा श्रवण करने का अर्थ था। तो चर्चा के विषय में जैसे कि हमने पहले ही कहा, ये तारतम वाणी को श्रवण करना ही चर्चा श्रवण करना है, क्योंकि वाणी की चर्चा होती है। तो ये तारतम वाणी चर्चा, तो चर्चा शब्द का अर्थ क्या है? जो प्रणिन्यास जी ने कहा, चर्चा सुन जो दिन ने रात, क्या श्रवण करने को चर्चा श्रवण करना कहते हैं? तो चर्चा शब्द जब कभी भी हम प्रयोग करते हैं, अपनी विषय की बात जहां पर होती है उसे चर्चा कहते हैं। तो चर्चा का अर्थ क्या हुआ? अपनी आत्मा की बातें और अपना घर परमधाम की बातें, अपना मालिक परमात्मा स्वरूप की बातें, और वो परमात्मा स्वरूप के साथ में हम आत्मा कैसे कैसे लीला करते थे, वो परमात्मा के साथ में हम आत्माओं ने ही की हुई लीला के विषय में जो बात होती है उसे चर्चा कहते हैं। और कथा शब्द का अर्थ क्या है? किसी दूसरों के विषय में जो बातें करें उसे कथा कहते हैं। तो ये तारतम वाणी के अंदर, सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के अंदर, प्रणिनाथ जी की ये वाणी के प्रकाश के अंदर, किसी दूसरों के विषय की बात नहीं, अपनी विषय की बात है। इसलिए ये वाणी के अंदर प्रणिनाथ जी ने आत्मा स्वरूप की महिमा के विषय में बात किया है। तो अपना मतलब आत्मा स्वरूप का, सबसे पहले तो हमें अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानना होगा, पहचान करना होगा। कभी कभी हम अज्ञानता वश अपने आप को शरीर के रूप में ही जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, परंतु मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पहले आत्मा स्वरूप में अपने आप को जानना होगा, पहचान करना होगा। फिर आत्मा स्वरूप में अपने आप को जानने के बाद, मैं अगर आत्मा स्वरूप हूं तो मेरा संबंध किसके साथ में है, तो अपने संबंधी के विषय में जानना होगा। तो आत्मा का संबंधी कौन है? वो है परमात्मा। आत्मा का संबंध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ में ही है। तो आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा को जान सकते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए पहले आत्मा को जानना होगा। इसीलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिन आप जिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले अपने आप को पहचान करो कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान किए बिना आत्मा के संबंधी परमात्मा को जान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं कर सकते हैं। ये चौपाई के माध्यम से भी हमें प्रणिनाथ जी ने यही निर्देशन दिया है, पहले अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करना होगा, फिर आत्मा के संबंधी परमात्मा स्वरूप को पहचान करना होगा। और आत्मा और परमात्मा का अपना मूल स्थान कहाँ है? परम धाम है। महामति प्रणिनाथ जी ने वो परम धाम का लक्ष्य देते हुए कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संहार। वो निज दरबार परम धाम रंग महल को देखो, वो तुम्हारा वास्तविक घर है। उस घर में, उस परम धाम में अपनी सुरता को साधो, तहां है तेरो करार, वो ही तुम्हारा आनंद का स्थान है। तो अपने आप के विषय की बातें, अपने प्रियतम परमात्मा स्वरूप धाम धनी की बातें, और वो परम धाम का बात, अपने घर की बात जिस विषय में होती है अथवा इस विषय में जो बात होती है उसी को चर्चा कहते हैं। तो महामति प्रणिनाथ जी ने ये वाणी के माध्यम से आत्मा स्वरूप की बातें की है, परमात्मा स्वरूप की बातें की है, और परम धाम की लीला को, परम धाम का वर्णन किया है। इसलिए अपनी बात होने से ये वाणी की चर्चा होती है। और आत्मा को जागृत कराने के लिए अपनी बात को ही सुननी होगी। कभी कभी हम अपने घर को, अपने संबंधी को भूल करके बैठते हैं ना, उस समय में कोई संबंधी वाले आकर के कहते हैं, तुम्हारा घर ये है, तुम्हारा फलना से ये संबंध है, तुम्हें फलना ने पहला ऐसे ऐसे कैसे किया था उसको याद करो। धीरे धीरे जाते स्मरण कराते कराते, याद दिलाते दिलाते उनको पुनः अपना मूल संबंधा याद आने लगेंगे। तो संबंध को याद करने के बाद ही भाव प्रकट होती है, इसक जागृत होती है।
इसीलिए पहले तो उनको शर्मंदा का ज्ञान दिलाना होगा, अपने अंदर की शक्ति का पहचान कराना होगा। तो आत्मा स्वरूप को अपनी ही बातें सुना करके अपना निज स्वरूप परम धाम का स्वरूप का याद दिला रहे हैं और आत्मा को उस परम धाम में परमात्मा के चरण शरण में जागृत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए महामति प्रणिनाथ जी कहते हैं, चर्चा सुन जो दिन ने रात, रात दिन ये चर्चा को श्रवण करते रहो। ये चर्चा के रूप में प्रकाशित ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करते रहो। तो ये ज्ञान के द्वारा हृदय को प्रकाशित करने से, जैसे कि पहले ही हमने कहा, माया भी चोर आकर के ये हृदय के अंदर की इच्छक और इलम रूपी धन को चुरा करके नहीं ले जा सकेगा। और हमारे अंदर जो इच्छक और ईमान रूपी प्रेम और विश्वास रूपी धन है, उसको सुरक्षित हम परमात्मा के पास तक लेकर के जा सकेंगे। उसके लिए ये ज्ञान का प्रकाश चर्चा के माध्यम से श्रवण करना होगा, क्योंकि धाम धनी स्वरूप ने ये प्रकाश के रूप में अथवा ये ज्ञान के रूप में ये वाणी को बरसात किया है अथवा हमें जाहिर करके समझाया है। तो कहते हैं, आपन ने त्रुठा श्री प्राणीनाथ, हम लोगों के बीच में त्रुठा यानी कि ये चर्चा रूपी बरसात कर रहे हैं। किसने? प्राणनाथ अक्षरातीत धाम धनी प्राणों के नाथ प्राण प्रीतम परमात्मा स्वरूप ने। इसलिए परमात्मा स्वरूप की कृपा को याद करते हुए परमात्मा ने ये चर्चा के रूप में बरसात किया हुआ ये वाणी को श्रवण करके, इस वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करके, आत्मा को जागृत करके, हृदय में प्रेम और विश्वास को लेकर के परमात्मा के चरण शरण तक जाना होगा। ये भाव को प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से संबोधन करते हैं। तो जिस भाव से प्राणनाथ जी ने हमें समझाया, उसी भाव के द्वारा हम निरंतर ये वाणी का श्रवण करें, अध्ययन करें, मनन करें, ये वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करें और परम धाम का सुख हम यहाँ संसार में बैठे बैठे भी अनुभव करें और परमात्मा के पास में जाते समय में हृदय के अंदर भरपूर प्रेम और विश्वास को भर करके परमात्मा के चरण शरण में हम जा सके, फिर परम धाम का सुख में हम रमन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देता हूँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज के जय, श्री प्राणीनाथ प्यारे के जय। ते मन जो साथ, ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहो अनुपम बात, एक कहो अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपण ने त्रुठा प्राणनाथ, आपण ने त्रुठा प्राणनाथ, आपण ने त्रुठा प्राणनाथ, आपण ने त्रुठा प्राणनाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय, सद्गुरु महाराज के जय, श्री प्राणनाथ प्यारे के जय।